Hi friends, welcome to Everstudy Classes. So finally, NTA ने results declare कर दिए हैं June 2019 examination के. तो इस पे एक छोटा सा analysis हमारी तरफ से आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना result कैसे देख सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं देख पाएं, cut off क्या रही है उसका analysis करेंगे और इसी के साथ साथ अपनी future की क्या strategy होनी चाहिए उसके बारे में भी थोड़ी सी बात आज हम करेंगे. चलिए तो जैसे ही आज सुबह रिजल्ट आया वैसे ही हमारे पास आपके ढेर सारे मैसेजेस ढेर सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए और हमें बहुत अच्छा लगा इन सभी मैसेजेस इन सभी कमेंट्स को पढ़कर कि हम कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर पाए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने में या फिर आपको जेआरएफ क्रैक करवाने में. तो बहुत अच्छा लगा कि आप क्वालिफाई कर गए हैं और उम्मीद करते हैं आप अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही नई ऊंचाइयों को छूते रहें. और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी ना किसी तरीके से एवर स्टडी क्लासेस का बेनिफिट मिला है, अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ एवर स्टडी क्लासेस का, तो आप हमें अपना रिजल्ट भी जरूर शेयर कीजिए. हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपकी बात सुनकर कि आपको हमारी वजह से कुछ बेनिफिट हो सका. तो अपना रिजल्ट हमारे साथ, ये नंबर आपके सामने दिया है, इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप से भी अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी hello@everstudy.in के ऊपर अपने रिजल्ट को मेल कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें, बहुत मोटिवेशन मिलेगा हमें कि आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहना है और ढेर सारे काम आपके साथ अभी करने हैं. माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके साथ साथ इस बार मैंने भी एग्जाम दिया था. ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कॉमर्स नेट एग्जाम का. इससे पहले कॉमर्स के काफी सारे एग्जाम्स मैंने दिए, उन्हें क्रैक किया, उनमें काफी अच्छे मार्क्स लेकर आए, बट अभी तक मैंने नेट एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया था. अब क्योंकि इस बार मैं आपके साथ जुड़ा था, आपकी प्रिपरेशन के साथ जुड़ा था और मेरा मोटिवेशन था कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं और मैंने भी यही सोचा कि अगर आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना है तो मुझे भी नेट एग्जाम को क्रैक करना होगा, मुझे अच्छे मार्क्स लाने होंगे तभी मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूंगा. इसी मोटिवेशन के साथ मैंने नेट एग्जाम दिया इस बार और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके सपोर्ट के कारण मैंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है कॉमर्स के अंदर. तो हाईएस्ट मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं कॉमर्स के अंदर और इसकी मोटिवेशन केवल आप थे. इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैं आपको यहां पर बोलना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं अगली बार ऐसे रिजल्ट्स मुझे आपसे देखने को मिले, आप ऐसे रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करें, बहुत खुशी होगी हमें ऐसे रिजल्ट्स सुनकर. चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप अपना रिजल्ट एक्सेस नहीं कर पाए हैं तो रिजल्ट एक्सेस करना बहुत ही आसान है. आप एनटीए की वेबसाइट पे जाइए www.nta.ac.in/exam-result. इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा और इसके बाद आप यूजीसी नेट जून 2019 एग्जाम सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी विंडो खुलेगी जिसमें अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा आएगा उसे आपको भर देना है और इसे सबमिट कर देना है. सर हम सबमिट कर चुके हैं बट हमारे पास एरर आता है इनवैलिड एप्लीकेशन. कोई बात नहीं, अभी साइट पे कुछ लोड ज्यादा है, काफी टाइम से आप ट्राई कर रहे होंगे, हो सकता है तब भी आपका नहीं खुल रहा हो, आप चिंता मत कीजिए, रिजल्ट जरूर खुलेगा. कुछ टाइम लग रहा है रिजल्ट खुलने में बट आप ट्राई करते रहिए, आपका रिजल्ट जरूर खुलेगा. यहां परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अभी नहीं तो थोड़ी देर तक आपका रिजल्ट आपको जरूर मिल जाएगा. चलिए अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो माय डियर फ्रेंड्स, कट ऑफ इस बार थोड़ी ज्यादा देखने को हमें मिली है. कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों में सेम कट ऑफ गई है. कॉमर्स में 68% गई है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की और 60% गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की और यही मैनेजमेंट के अंदर भी गई है. तो कट ऑफ पिछली बार से यहां पे मैं कहूंगा काफी ज्यादा हमें देखने को मिली है. क्यों देखने को मिली है ये भी आपको बातें बताएंगे अगली स्लाइड पे, बट अगेन यही कहूंगा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, आपको भी कॉम्पिटिशन के साथ आगे बढ़ना है, अपनी प्रिपरेशन को फुल फ्लेज रखना है और तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे. तो डिफरेंट कैटेगरीज की जो कट ऑफ है उन्हें आप यहां पर एक बार देख सकते हैं. चलिए अब काफी सारे मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं सर कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली गई. देखो एक रीजन तो ये है कि मेरी काफी सारे जो स्टूडेंट से बात हुई, काफी सारे फ्रेंड्स से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि सर एग्जाम बहुत इजी लगा. अब अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स को एग्जाम इजी लगेगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी कट ऑफ ऊपर जाएगी. ये एग्जाम जो है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और आपको बाकियों से अच्छा परफॉर्म करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. जो हमारा देश है, हमारा नेशन है, आप खुद मानते हैं उसे बेस्ट प्रोफेसर्स चाहिए, उसे बेस्ट मैनेजर्स चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप औरों को बीट करें, आप अपना जो कॉम्पिटिशन है उसे बीट करें. और इसके अलावा इस बार EWS की सेपरेट कैटेगरी भी बनाई गई थी तो उसमें भी कुछ सीट्स जो हैं वहां पर भी चली गई, इसीलिए हो सकता है जनरल की कट ऑफ यहां पर भी इस कारण से
बढ़ गई हो। सर फ्यूचर स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे पहली बात, यहां पे हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आपने मेहनत करी, मैं मानता हूं आपने मेहनत करी, बट आप अपने आप से पूछिए, क्या मैंने इस बार अपना 100% एफर्ट दिया? क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूं? अगर इसका आंसर है हाँ, तो आपको आगे जरूर मेहनत करनी है और जरूर अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू रखना है। अगर आपने नेट क्रैक कर लिया बट आपका टारगेट जेआरएफ है, तो अभी आपने और लड़ाई आगे बढ़कर लड़नी है, एक प्लेटफॉर्म अभी आपको और अचीव करना है। तो सर कैसे आगे बढ़े? आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए, आप एग्जाम उठाइए, उसमें देखिए कि कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, क्यों वो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए। अगर वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पहले पूछा जा चुका है, तो आपकी गलती है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से नहीं किया। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में जल्दबाजी करी, आपको सवाल आता था बट जल्दबाजी में गलत कर दिया, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस की कमी है। अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ा हुआ था बट आपको एग्जाम टाइम पे याद नहीं आया, तो यहाँ पे आपकी रिवीजन की कमी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है और इन सारी चीजों को लेकर आपको अपनी अगली स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी है। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी मैं कहूंगा जरूर फॉलो कीजिए, साथ के साथ आप जो हमारे करंट न्यूज चलती रहती है, जो एक कोई भी न्यूज पेपर आप उठा लीजिए, उसमें इकोनॉमी का जो पेज है उसे जरूर गो थ्रू कीजिए। करंट अफेयर्स भी आज की डेट में हमारे लिए थोड़े जरूरी हो गए हैं, और जितने कोर्सेज हम भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं उनमें भी हम करंट अफेयर्स को प्रॉपर वेटेज देंगे। इसके अलावा डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनाएंगे आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए, इसके लिए जल्दी से आपके साथ मैं एक लाइव सेशन के थ्रू जुड़ूंगा और डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनाएंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, सेशन की डिटेल्स में आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर शेयर करूंगा। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एवरस्टडी क्लासेस की हेल्प बिल्कुल ले सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास फ्री समरी नोट्स हैं और उनके साथ आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं, जिससे आपको हर यूनिट का एक ओवरव्यू अच्छे से मिल जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एग्जामिनेशन का, उसके लिए भी हमारे पास एक यूनिट वाइज कोर्स है जिसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर्ड मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड सीरीज है जिसमें आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। और इसके साथ साथ इस बार आप सभी के सपोर्ट से हमने अपने प्रीमियम वीडियो कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, जिसमें मैं और मेरी टीम आपके साथ जुड़ेगी और आपको सारे कंसेप्ट्स आसानी से कवर अप करवा देगी, आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे। और साथ ही साथ इसमें आपको हमारी तरफ से समरी नोट्स, हमारी तरफ से एमसीक्यूज, ढेर सारा सपोर्ट जो है साथ में मिलेगा। और इन सारी चीजों की डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in विजिट कर सकते हैं। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस बार एग्जाम क्रैक कर लिया है तो आपको हमारी तरफ से मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ अहेड। बट अगर आपने अभी तक एग्जाम क्रैक नहीं किया तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आप और मैं मिलकर नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करेंगे। और आपको यहां पे मुझे प्रॉमिस करना है कि आप पूरा हार्डवर्क करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, और मैं गारंटी देता हूं अगर आप अपना 100% देंगे तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, यहां आपसे विदा लेता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करना, हमारे YouTube चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें hello@everstudy.in पे मेल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो ये नंबर आपके सामने है, इसका यूज आप कर सकते हैं। हमारी कोर्सेज की डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट, ये जो लिंक दिया है आपको, इसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने मोबाइल फोन में हमारी फ्री लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। थैंक यू।